सर पहले नहीं लगाता था, अब ये 2-3 साल हो गए लगा रहा हूँ बहुत कैसे। सारे लोग इश्क मशूकी के चक्कर में नशे पे लग जाते हैं, कोई ऐसा मामला होता है नहीं कि आपने कोई किसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर ली हो? फिर क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर ली? मजबूरी नहीं थी सर शौक से की है? जी। आपको इस बात का पहले से इल्म था कि जो लोग नशा करते हैं इस तरह रूढ़ियों के ऊपर उनकी जिंदगी गुजरती नहीं है? है ये पता काम छोड़ दो, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं, तभी जब छोड़ के मरोगे तो एक मिसाल होगी, ये नशा छोड़ रहा था और मर गया, अब इस हालत में मरोगे, वो कहते हैं कहेंगे ये नशा ही था बस मर गया नाज़रीन, 42 बस। एच डी टीवी के साथ मैं हूँ मेज़बान हूँ मेरा अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं दशहरा ग्राउंड थाना ई डिवीजन का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस जगह पर तकरीबन 85 के करीब मैं ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने जो हमारे पुलिस वाले हैं, पुलिस के अलावा अफसरान हैं, उनको ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर नशा फरोख्त हो रहा है, सरेआम नशा फरोख्त हो रहा है, धड़ल्ले से नशा फरोख्त हो रहा है, और आपके कुछ जो मुलाजमीन है वो इनके साथ मिलके नशा फरोख्त करते हैं। कोई भी क्राइम करने वाला बंदा उस वक्त तक क्राइम नहीं करता जब तक उसको कानून की सपोर्ट ना हो। हमारे जो पुलिस है उनका काम ही सिर्फ मुलजमान को पकड़ना है। जब तक कोई बंदा उनकी पुलिस की मिली भगत नहीं होगी उस वक्त तक कोई भी गलत काम नहीं कर सकेगा। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है जिसने नशे की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। इसे बात करते हैं और इसे जानते हैं कि इसका नाम क्या है, कितने बहन भाई हैं, नशा कब से कर रहा है और नशे पे लगा किस वजह से था, ताकि वो नौजवान जो कि नशे की लत पे लगे हैं लेकिन अभी उस स्टेज भी नहीं है जिस स्टेज पे ये बंदा है। इससे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो बताएगा हो सकता है हमारी समझ में के अंदर कोई ऐसी बात बैठ जाए, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम उस गलत काम से बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम अस्सलाम नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, मुझे ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? 28 है, 78। बहन भाई कितने हैं? 5। आप काम क्या करते हैं? पहले मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, जूतों का भी काम किया है मैंने अच्छा, जी। जूतों का काम आप कितना अरसा करते रहे? कितने जूतों का काम 10 साल मैंने किया है। पैसे आप एक महीने के कमा लेते थे? मैं अपने मामू के पास रहता था वहाँ पे लाहौर, वहाँ आपके पे किया। 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। जो बहनें हैं वो आपसे छोटी हैं बड़ी? नहीं मुझसे बड़ी है, शादीशुदा है शादीशुदा जी। यानी कि वो शादीशुदा अपने घरों में है। जो आपके भाई हैं वो भी शादीशुदा? नहीं वो छोटे हैं मुझसे, वो क्या काम कर? एक ऑनलाइन का काम कर रहा है, एक बाजार में है ये वो तो सब बड़े पैसे कमाते हैं ऑनलाइन काम जो करते हैं। जी। तो आप नशे पे किस वजह से लगे? आपके वाले साहब क्या काम करते हैं? मेरे वाला साहब थे पहले ड्राइविंग करते हैं, अब नहीं है उनकी वफात हो गई है। जी। तो जो बड़ा घर में होता है यानी कि बड़ा भाई होता है वो तो सरबराह होता है, तो आपने बाकी बहन भाइयों का ख्याल रखना था, आप खुद ही नशे पे लग गए। मैंने सर वो 10-12 साल काम किया है, उसके बाद में नशे में ही लगा हूँ। क्या नशा क्या करते हैं? यही इंजेक्शन लगाता हूँ इंजेक्शन लगाते हैं आप जी। पाउडर का? जी नशे पे पहली दफा आप किस चीज का आपने नशा किया था, कब लगे थे नशे पे? ये सादा सिगरेट मैंने पिया था फिर जब उसके घर बाद पे, बाद में ऐसा ऐसा बढ़ते गई। आपने दूसरी दफा नशा किस चीज का किया था? क्योंकि जो सिगरेट पीने वाला बंदा अगर वो ड्रग अपने आपको पाउडर का इंजेक्शन लगाएगा वो तो जिंदा ही नहीं रह सकता, इतना हैवी किस्म का ये होता है। आप किस तरह से इस स्टेज पे पहुंचे हैं? बस सर पहले नहीं लगाता था, अब ये 2-3 साल हो गए लगा रहा हूँ बहुत कैसे। सारे लोग इश्क मशूकी के चक्कर में नशे पे लग जाते हैं, कोई ऐसा मामला होता है नहीं कि आपने कोई किसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर ली हो? फिर क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर ली? मजबूरी नहीं थी सर शौक से की है? जी। आपको इस बात का पहले से इल्म था कि जो लोग नशा करते हैं इस तरह रूढ़ियों के ऊपर उनकी जिंदगी गुजरती है? जी पता था, फिर आपने क्यों की? क्या वजह बनी? बस तब नहीं ना पता था, इस वक्त मेरे पे ये हालात आ जाने हैं, अब आ गए हैं तो क्या करें मुझे बस ये बताओ लग गए। कि आपके 5 बहन भाई हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप नशा करते हैं आपकी वालदा ने जो उनको प्यार दिया है वो आपको प्यार ना दिया हो? नहीं पहले प्यार मुझे ही मिला। आपको मिला है? हाँ यानी कि आपकी वालदा आपसे उतनी मोहब्बत करती है जितनी के बाकी बच्चों से करती है? हाँ जी उतनी ही करते रिश्तेदार हैं, भी वही रवैया रखते हैं आपके साथ? हमारे रिश्तेदार इधर नहीं है, एक फिर दो भी घर थोड़े से हैं। यार यार जो हैं वो अच्छा समझते हैं आप? नहीं अब कहाँ पे उसने, उन्होंने अच्छा समझ क्या कहते हैं? बस
कभी मिलते हैं सलाम लेके बस गुजर जाते हैं। तो इसलिए पास नहीं ठहरते क्या, पैसे ना मांग ले या हाँ। मतलब कि कोई चीज ना अगर उनके पास बैठे हैं को उठा के ले जाएं या इस तरह का कुछ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। ये तोड़ा इसी वजह से उठाया, किसी से पैसे ना मांगने पड़े। ये तोड़े में आप क्या करते हैं, पैसे किस तरह से नशे करते हैं? ये सर गत्ता वगैरह उठाते हैं। आप गत्ता वगैरह उठा के कितने का डेली सेल कर लेते हैं? डेली का नहीं, दो तीन दिन में बाद में आता हूँ। दो तीन दिन के हाँ। अपना नशा पूरा करने के लिए ये सब करना पड़ता है। कभी सोच आई कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता, दूसरे बहन भाइयों की तरह अच्छी जिंदगी, अच्छे कपड़े, अच्छा जूता, अच्छी पर्सनैलिटी, सब कुछ होता? ये पहले सर सब कुछ ही करते रहे हैं, अपना शौक मैंने पूरा किया है। जो भी कपड़ा मैंने पहनना लेके हैं, सब जूता भी लिया है, हर शौक पूरा किया है। कभी वालदा ने मना किया बेटा ये सब ना करो? हाँ। क्या कहती है? बहुत मर्तबा का है। क्या कहती बस... है उनके लफाज, वो लोग सुने जो कि अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचे, आप अपनी वालदा के वो लफाज बताएंगे जो आपको आपकी माँ ने प्यार से बोला बेटा ये काम छोड़ दे, या क्या कहा था उन्होंने? यही मेरी माँ कहती है, पहले तुम्हारी इज्जत थी, अब नहीं है, ये काम छोड़ दो। ये जो इंजेक्शन लगाते हैं, तभी जब छोड़ के मरोगे तो एक मिसाल होगी, ये नशा छोड़ रहा था और मर गया। अब इस हालत में मरोगे, वो कहते हैं कहेंगे ये नशा ही था, बस मर गया, बस यही। किसी दिन किसी ऐसी जगह पे बैठे मौत आ जाएगी, उन्होंने कहना कि नशा करता था, रूढ़ी के ऊपर मौत आ गई। हाँ जी। देखा कभी यहाँ पे कोई बंदा मरता है या? वो देखे हैं सर, वो देखे हैं। हाँ जी। तब भी सोच नहीं आती? आती है फिर अब मजबूर है, ये लग चुका है। हाँ। आखिरी मैसेज कोई, आप वो लोग जो के अभी थोड़ा बहुत नशा करते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, उनको कोई बात समझाना चाहें तो समझा सकते हैं? यही ऐसा समझाना क्या है, ये इंसान खुद ही लगता है, कोई जबरदस्ती तो नहीं देता, कि कोई जबरदस्ती ये मुंह में रोटी डाल तो नहीं सकता जब तक मुंह ना खोलेंगे। यही है ऐसा है कि उनसे यही गुजारिश है, नशा ये बहुत बुरा है, ये इस हालत में पहुंचा देता है जहाँ पे आदमी की सोच नहीं होती। जी नदरीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी, बड़ा समझदार है और बड़ी अच्छी इसने बातें की हैं। इसका ये कहना है कि ये नशा जो है इंसान को उस हालत में पहुंचा देता है जिसमें आपकी ज़रा जितनी भी इज्जत नहीं रहती, घर वाले आपको घर नहीं आने देते, रिश्तेदार जो हैं वो अपने पास नहीं बैठाते, ये पैसे ना मांग ले या कोई चीज़ ना उठा के ले जाए। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, सैकड़ों लोग बैठ के नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। क्या ऐसी मजबूरी है, कौन से ऐसे हालात जिन्होंने उन लोगों को मजबूर किया आज वो इस तरह की ज़िंदगी रूढ़ियों के ऊपर गुजार रहे हैं? सबसे बड़ा किरदार इसमें पुलिस वालों का है। अगर पुलिस वाले नशा बेचने वाले लोगों को पकड़ें और उनके मुताबिक उनको सजा दी जाए, जिस तरह से एक इंसान को कत्ल कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो ये कत्ल से नहीं है, किसी इंसान के कत्ल से कम नहीं है कि किसी की तबाह हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो सजा नहीं दी जाती, वो आते हैं और आकर फिर वही नशा फरोख्त करते हैं। अल्लाह करे कि उनके बच्चे भी इसी तरह से नशे के ऊपर लगे और एक ना एक दिन इस तरह से रूढ़ियों के ऊपर बैठे गंदगी के अंदर, उधर उनकी मौत वाकया हो जाए, फिर उन लोगों को पता चले कि अगर हमने किसी की बच्चे की, किसी की बेटी की, किसी की बेटे की ज़िंदगी तबाह की है, तो आज ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। वो पुलिस अफसरान जो रिश्वत लेके इनसे नशा फरोख करवाते हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि एक दिन उनके साथ भी यही कुछ होगा। उन लोगों ने पैसों की खातर, अपने बच्चों के रिज़्क की खातर किसी दूसरे की औलाद की ज़िंदगी तबाह की है, और उतना ही किरदार उनका भी है जितना के बेचने वालों का है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV अलानी।